All right, yo, we're off to sleep. Amazing night. See you tomorrow morning. ये देखेंगे कुछ लाशें पड़ी हैं। कुछ लाशें पड़ी हुई हैं। चीपा वाले छोड़ के गए हैं, ईदी वाले अभी आ रहे हैं। चलें जी। Come on, let's go. Come on, let's go. Cute. This stuff on the side, eh? The fetus emerges. A bit tent tod diya dono. Good morning guys, welcome to another vlog. So हम कल रात को सो रहे थे तो बहुत तेज़ बारिश हो रही थी, लेकिन लकीली टेंट में कुछ पानी वगैरह नहीं आया. अब सीन ये है कि हम सोच रहे हैं थोड़ा सा हाइक पे जाए. बारिश हुई है लेकिन थोड़ा सा वेट होगा. That's what she said. बढ़िया है कि शूज़ वगैरह हैं तो इतना मसला नहीं होगा. और अभी सबसे पहले करना है कि वी हैव टू पैक अप एवरीथिंग, उसके बाद हम जाएंगे हाइक करने. यार अब रात को सो रही होती थी, बारिश हो रही थी, मैं तो आराम से खैर सो गया. ये लोग नहीं सोए, ये बेचारा हिल गया. ये तो नहीं सोया, मैं तो सोया था. मैं बड़े आराम से सो के उठाऊँ. ठीक है, सुबह के तकरीबन 6:30 बज रहे हैं. शक्ल से आप देख सकते हैं कितनी नींद दोबारी आ रही है. ब्रो तो देख तो सही हर जगह. वो जूते लाया है ना, वो उससे तो कोई मसला थोड़ी नहीं होगा हाइकिंग. You can walk. Chalo, but I think we have all the gear. समझ रहे हो? बारिश हो रही थी, थोड़ी सी आवाज आ रही थी, बट ये है कि मैं तो आपको पता है मैं आप बड़े आराम से सोता. क्या मसला? ऑनेस्टली इतना अच्छा एक्सपीरियंस होता है ना, मतलब आप जब इधर आते हैं यहाँ पे रात स्पेंड करते हैं, कोई फोन वगैरह आप यूज नहीं कर सकते यहाँ पे, ना आपको किसी से रहा हो सकता है. देयर इज नो कम्युनिकेशन एट ऑल बिकॉज़ यहाँ पे कोई सिग्नल नहीं आता है. अच्छा आप ये देख सकते हैं पीछे हमने सारा सामान रख दिया है. ठीक है, और ये पीछे हमारा एक और सामान है. ठीक है, ये उमर साहब भी फालतू में आ जाते हैं. ठीक है, ज्यादा अपना काम शाम भी नहीं करते. निकल, पहली फुर्सत में निकल. सीन ऐसा है कि हम लोग जा रहे हैं रेड हाउस, वहाँ पे हमने सुना है एक बहुत अच्छी ट्रेल है. ठीक है, तो हम वो देखते हैं, और वहाँ पे व्यू भी बहुत अच्छा है, तो हो सकता है वहाँ पे जाके नीयत थोड़ी सी खराब हो जाए, हम सिर्फ व्यू ही देख के आ जाए, क्योंकि थोड़ा सा थके तो है यार. मतलब नींद पूरी हुई है लेकिन ज्यादा पूरी नहीं हुई, इसकी तो बिल्कुल नहीं हुई है. आप व्यू चेक करें. मेरे पीछे बिल्डिंग देख रहे हैं, ये है रेड हाउस. ये एलेगनी स्टेट पार्क का एडमिनिस्ट्रेशन एक ब्लॉक है जो न्यूयॉर्क स्टेट में है. कैंपिंग के लिए तो हम यहाँ से गुजरते हुए गए थे रेड हाउस, और आप सब छोड़े आप मेरे पीछे सिर्फ व्यू चेक करें. तो मेरे ख्याल से दोबारा रेनफॉल स्टार्ट हो गई है. अभी सीन ऐसा है कि हो सकता है हम शायद हाइक पे नहीं जाए.
यार ये जो व्यू है ना इट्स सो ऑसम कि यहाँ पे आई कैन एक्चुअली जस्ट गेट वेट इन द रेन बस यहाँ पे मैं खड़े होके आई एम जस्ट एंजॉयिंग द व्यू इट्स अमेजिंग फॉल का सीजन स्टार्ट हो गया और अभी राइट नाउ आई थिंक टेम्परेचर इज अराउंड 8 degrees तो इट्स कोल्ड.